डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट का हमारा नया टॉपिक है आज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। देखो ये इक्वेशन को देखने से ये व्यापक रूप में है इक्वेशन dy by dx पावर n प्लस पी वन dy by dx पावर n माइनस वन प्लस पी टू dy by dx की और पावर n माइनस टू अप टू डेड एस पी एन माइनस वन dy by dx प्लस पी एन इजल टू जीरो। देखो यहाँ ये पी वन पी टू पी एन माइनस वन ये कुछ नहीं है, ये x एवं y के फलन हो सकते हैं या अचर हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये dy by dx प्रथम कोटि का अवकलन है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम कोटि का फर्स्ट ऑर्डर का और डिग्री इसकी घात अधिक हो सकती है, ठीक है। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को क्या माना, स्मॉल पी डी वाई बाई डी एक्स माना, ये संकारक है ना, इसको इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो ये हमारी व्यापक रूप में इक्वेशन होगी जहाँ ये स्मॉल पी इक्वल टू क्या है डी वाई बाई डी एक्स तथा पी वन पी टू अप टू डेड एस ये क्या है एक्स एम वाई के फलन हो सकते हैं या अचर हो सकते हैं। एन घात का तथा प्रथम कोटि का अवकल समीकरण को हम वो देखते हैं कि इक्वेशन किस प्रकार की है, किसके लिए हल हो सकती है ना। तो हम उसके आधार पर इसको कुछ प्रकार कुछ टाइप्स होते हैं जो कि क्या है, फर्स्ट इक्वेशन सोलेबल फॉर पी, पी के लिए हल करेंगे हम उसमें इस प्रकार के इक्वेशन को। और कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो वाई के लिए हल होने लायक होती हैं, इक्वेशन सोलेबल फॉर वाई। फिर थर्ड है इक्वेशन सोलेबल फॉर एक्स, एक्स के लिए हल करेंगे हम। फिर हम एक क्लोरेंट इक्वेशन पढ़ेंगे, स्पेशल फॉर्म होती है। और फिर हम एक लांगराज इक्वेशन, तो हम आज फर्स्ट पढ़ते हैं इक्वेशन सोलेबल फॉर पी, जिसे उसका एक एग्जांपल लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस नाइन पी प्लस अठारह इजक्ल टू जीरो। पी कुछ नहीं है, क्या है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, माइनस नाइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एटीन इजक्ल टू जीरो। अब हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखो ये पी स्क्वायर माइनस नाइन पी प्लस एटीन इजक्ल टू जीरो है, इसके गुणनखंड करेंगे। तो ये हमने इसके लिए क्या किया, पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी माइनस थ्री पी प्लस एटीन इजक्ल टू जीरो, इसका गुणनखंड क्या बन जाएगा, पी माइनस सिक्स इंटू पी माइनस थ्री इजक्ल टू जीरो, पी इजक्ल टू सिक्स या पी इजक्ल टू थ्री, जिसे p क्या होता है यहाँ dy by dx इजक्ल टू सिक्स तथा dy by dx इजक्ल टू थ्री। इसको हल करने पर समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, y इजक्ल टू सिक्स एक्स प्लस सी और यहाँ से y इजक्ल टू थ्री एक्स प्लस सी। अब आप ये कहेंगे कि ये अचर हैं जो ये सेम लेंगे, क्यों सेम लेंगे, क्योंकि हमारा इक्वेशन है वो प्रथम कोटि का है, फर्स्ट ऑर्डर है, dy by dx है, उसमें अचर एक ही होता है, अचर की संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। अगर यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहीं भी आए तो उसमें दो अचर मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ हम जो सी यहाँ लिया है वही सी हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा व्यापक हल क्या होगा, इनका डी वाई बाई इसका व्यापक हल होगा वाई माइनस सिक्स एक्स माइनस सी इंटू वाई माइनस थ्री एक्स माइनस सी इजक्वल टू जीरो। ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ये हमारा व्यापक हल होगा, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, तो ये है हमारा कि पी स्क्वायर प्लस टू पी वाई कोट एक्स इजकल टू वाई स्क्वायर। हम वाई स्क्वायर को पक्षांतरण कर लेंगे और हम ये पी स्क्वायर में द्विघात समीकरण है उसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से किस प्रकार लिखेंगे, पी इजकल टू माइनस टू वाई कोट एक्स प्लस माइनस अनरूट में इसका स्क्वायर आएगा तो फोर वाई स्क्वायर कोट स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स प्लस फोर वाई अपॉन टू। तो पी इजक्वल टू हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई कोट एक्स प्लस माइनस, यहाँ देखो टू वाई कॉमन आ रहा है, फोर वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर अनरूट के बाहर लेंगे तो टू वाई, जिससे टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये वाई, और हमारा यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स, वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और अनरूट में तो कोसेक्स हो जाए। इसके हम प्लस माइनस अलग अलग करने पर हमारे क्या प्राप्त होगा, पी इजक्वल टू माइनस वाई कोट एक्स प्लस वाई कोसेक एक्स, और दूसरा क्या प्राप्त होगा, पी इजक्वल टू
माइनस वाई कोट एक्स माइनस वाई कोसेक एक्स। यहाँ से हम वाई कॉमन लें तो हमारे क्या हमें क्या प्राप्त होगा, कोसेक एक्स माइनस कोटेक एक्स, और उसको हल करेंगे क्या जाएगा, वन माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसी प्रकार यहाँ हम माइनस वाई कॉमन लेने पर हमारा यहाँ क्या जाएगा, कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स, उसको और हल करेंगे तो वन प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ से पी की वैल्यू क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई, यहाँ हम कोस एक्स इजकल टू हम सूत्र लगाएंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, और ये साइन एक्स इजकल टू क्या होता है, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस वाई, वन प्लस कोस एक्स क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। यहाँ से डी वाई बाई इस वाई को इधर लाएंगे तो डी वाई बाई वाई इजकल टू डी एक्स इधर ले जाएंगे, और ये साइन टू से टू कैंसिल, साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, साइन एक्स वाई टू अपॉन कोस एक्स वाई टू क्या बन जाएगा, टेन एक्स वाई टू। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, कोस एक्स वाई टू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स वाई टू है, यहाँ कोस एक्स वाई टू, तो एक कोस एक्स वाई टू कैंसिल हो जाएगा, कोस एक्स वाई टू अपॉन साइन एक्स वाई टू क्या बन जाएगा, कोट एक्स वाई टू। ठीक है, अब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से लॉग वाई, यहाँ से टू लॉग सेक एक्स वाई टू, क्योंकि टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, परंतु यहाँ एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू का अवकलन का हम भाग देते हैं तो वो टू आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ इसका समाकलन करेंगे तो लॉग वाई इजिकल टू टू लॉग कोसेक एक्स बाई टू प्लस लॉग। तो एंटी लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ वाई इजकल टू सी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई इजकल टू सी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो हमारा व्यापक हल क्या हो जाएगा, वाई माइनस सी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वाई माइनस सी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इजकल टू जी। थैंक यू।